नाम बताना मोहन सर। अभी तो पानी पकड़, अभी पानी डाल तू। हाँ सीधा करो, सीधा करो। हैंड वॉश है ना, हैंड वॉश कैसे करना है किसी को पता है? चलो अब सब हैंड वॉश के स्टेप्स रिपीट करेंगे मेरे साथ, ठीक है? पहला स्टेप, सबसे पहले हाथ गीले किए, फिर लिया साबुन। पहला स्टेप आगे, दूसरा स्टेप उंगलियों के बीच में, तीसरा स्टेप हाथ के पीछे, चौथा स्टेप और छठा स्टेप, ठीक है? जब हम ऐसे करेंगे तब हमारे हाथ एकदम क्लीन हो जाएंगे, तब हम अपनी आईज को, अपनी आंखों को, अपनी नाक को और अपने मुंह को टच कर सकते हैं। अगर हमारा हाथ क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, तो हमें अपना आंख, नाक और मुंह, आप इधर आ जाइएगा, इधर से दवाई ले लीजिए। कर रहा हूँ जिससे दर्द बढ़ रहा है, जहाँ दर्द होता है ना वहाँ लगा देना। आप देखो, आप ये समझो कैंटीन में और ये गर्ल्स गर्ल्स मिडिल स्कूल मनकोट है, ये जून मनकोट किस बॉर्डर बेल्ट में फॉल करता है। तो आज का ये जो एक आर्मी का कैंप यहाँ पे जिसका इनेकाद किया गया, यहाँ पे कोविड 19 से रिलेटेड नंबर ऑफ जो थे वो जानकारी यहाँ बच्चों को दी गई, किस तरह से उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करनी है और किस तरह से उनको एक दूसरे से दूरी बनाए के रखनी है, और इसके अलावा जितना भी ये सामान वगैरह वो भी इनको डिस्ट्रीब्यूट। अगर इसकी अवेयरनेस ऐसी की जाए तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज जो है ये कन्वे होगा कहीं सोसाइटी में भी, और पर्टिकुलरली यहाँ बच्चों में भी, और इससे बेहतरी आ सकती है, अच्छे माहौल जो है बेहतर हो सकता है। अच्छा सर, ये आर्मी वाले मतलब हर साल की तरह इस साल भी अभी मार्च में इन्होंने कैंप लगाया, मेडिकल कैंप, जो हमारे लोगों को दवाई मुफ्त में दे रहे हैं, और आर्मी हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रही है। तो पब्लिक जो मनकोट की है, चाहे मनकोट ब्लॉक की पूरी, वो आर्मी के साथ भी बड़ा अच्छा तावन कर रही है। लिहाजा मेरा ये सब ब्लॉक मनकोट के लोगों से ये अपील है, और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि दोबारा ये कोरोना वायरस फैल गया है, इस वजह से आप मास्क पहन रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आर्मी वालों ने हमें बताया है कि कोरोना वायरस का पूरा ध्यान रखें, कि ये मौसम चेंज होने पर ये बीमारी फिर आ सकती है।